एयर इंडिया की काबुल जाने वाली फ्लाइट का समय बदला, स्टैंड बाय पर रखे गए दो विमान। अफगानिस्तान में जारी उथल पुथल के बीच राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया की काबुल जाने वाली उड़ान की समय में बदलाव किया गया है। बताया गया है कि काबुल जाने वाली सुबह की उड़ान से अब दोपहर को उड़ान भरे जाएगी, जबकि उड़ान कर्मचारियों के साथ दो विमान निकासी के लिए स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। एयर इंडिया के एक अधिकारी की माने तो काबुल में मौजूदा स्थिति के कारण एयर इंडिया की उड़ान को काबुल के लिए सुबह 8:30 बजे की बजाय 12:30 बजे के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जारी उथल पुथल के कारण काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर दुनिया भर से उड़ान संचालन प्रभावित है। सूत्रों की माने तो शहर में जारी हिंसा के कारण काबुल हवाई अड्डे का रास्ता रात से ही अवरुद्ध रहा। सूत्रों ने बताया कि यात्री साथी एयरलाइन कर्मचारियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए गंभीर और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत सरकार द्वारा एयर इंडिया को काबुल निकासी के लिए दो विमानों को स्टैंड बाय पर रखने के लिए कहा गया है। एक सरकारी अधिकारी की माने तो फ्लाइट क्रू के साथ दो विमान काबुल निकासी के लिए स्टैंड बाय पर है। सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि शहर में जारी हिंसा के कारण काबुल हवाई अड्डे का रास्ता रात से ही अवरुद्ध रहा। आपको बता दें एयरलाइन कर्मचारियों के साथ संचार भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि शहर के कई हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क चालू नहीं है। आपको बताते चले कि एयर इंडिया काबुल के लिए प्रतिदिन एक उड़ान संचालित करती है और एयरलाइन के पास उसके लिए अग्रिम बुकिंग भी है। विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया संपर्क में है और अफगानिस्तान में स्थिति की लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। इससे पहले एयर इंडिया पायलट एसोसिएशन के महासचिव ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को काबुल से भारतीयों और अन्य लोगों को निकालने के संबंध में एक पत्र भी लिखा था। वहीं यूएई फ्लाई दुबई ने देश में संघर्ष के कारण काबुल के लिए अपनी सेवाएं निलंबित कर दी और ब्रिटिश एयरवेज ने अपने सभी पायलटों को देश में अनिश्चित परिस्थितियों के कारण अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचने का आदेश दिया है। तालिबान आतंकवादी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर नियंत्रण कर चुके हैं और देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी के तजाकिस्तान भाग जाने के बाद राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि आंदोलन जल्दी अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की पुनर्स्थापना की घोषणा करेगा।